नमस्कार, सुप्रभात। आज की प्यारी सी सुबह में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, कहते हैं कि यदि उपजाऊ जमीन पर अच्छे मौसम में बीज डाला जाए तो फसल बहुत अच्छा होता है। ठीक वैसे ही सुबह सुबह का समय बहुत ही उपजाऊ होता है हमारे जीवन के लिए, हमारी दिनचर्या के लिए। और बीज हैं हमारे विचार। यदि अच्छे विचार के बीज सुबह सुबह हम अपने अंदर डाल देते हैं तो सारा दिन सुख शांति और आनंद से भरा हुआ होता है, सफलता से भरा हुआ होता है। इसीलिए सुबह उठते ही ईश्वर को याद करके संकल्प कर ले, मेरा आज का दिन बहुत ही सुंदर है, मैं बहुत ही शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, ईश्वर की संतान हूँ और मेरा आज हमेशा के लिए बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है, खुशियों से भरा हुआ रहने वाला है, सफलता से भरा हुआ रहने वाला है। जब ऐसे सुंदर विचारों के साथ हम शुरुआत करेंगे फिर देखें कि जीवन कैसे आनंद के रस से भर जाता है। ज़रूर इस पर विचार भी कीजिएगा और अमल भी कीजिएगा। और इसी सुंदर बात के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जिसके पास जितना कम ज्ञान होगा वो अपने ज्ञान के प्रति उतना ही जिद्दी होगा। जब हमारे पास कम व अधूरा ज्ञान होता है तो हम अपने ही मत और धारणाओं को ही सच मान बैठते हैं, अपने ही विचारों को स्थापित करने के लिए जिद करने लग पड़ते हैं। अन्य तत्वों या विचारों को स्वीकार करने में हमें अत्यधिक कठिनाई महसूस होती है और अपने ही दिए हुए विचार हमें सत्य प्रतीत होते हैं। इसका मूल कारण है अधूरे रूप से ज्ञान उठाना। जब हमें अपने ही ज्ञान का अहम हो जाता है तो दूसरों के द्वारा दी गई सलाहों को हम स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है, तभी हम ज्ञान को संपूर्ण रीति से धारण कर सकेंगे। मित्रों, दिवस की शुरुआत हम बहुत ही सुंदर करते हैं, खुशियों से भरा हुआ हो हमारा दिन इस भाव से करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पिछले कर्मों के कारण कुछ विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसे समय पर भी ये भाव अपने मन में हम जरूर रखें कि बादल आए हैं चले जाएंगे, कोई भी चीज इस संसार में स्थायी नहीं है, ये वक्त भी बीत जाएगा। ये सुंदर भाव हमें बल देता है, संबल प्रदान करता है उस परिस्थिति से जूझने के लिए और साथ ही उससे बाहर निकलने के लिए। कई बार शारीरिक रूप से जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तब भी हम निराश होने लगते हैं, लेकिन निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अपना ख्याल रखें और हम भी ख्याल रखते हैं आपकी सेहत, आपके हाथ के माध्यम से आपका, कि आप हमेशा ही तंदुरुस्त रहें। आइए देखें कि आज इस सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। तो आपको किसी ने मोटा कहा है या आपको लगता है कि आप मोटे हैं, मोटापे से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना आत्मविश्वास नहीं खोएंगे, क्योंकि आप जैसे दिखते हैं ना बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, लेकिन वजन को संतुलित करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि मोटापा बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है, इसलिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है। ओबेसिटी, मोटापा यानी हमारे शरीर में अत्यधिक फैट का होना। कैसे जानेंगे कि वाकई में मोटे हैं या नहीं? ज़्यादातर लोगों को डॉक्टर बोलते हैं वजन कम करने, क्योंकि उनका बीएमआई वो बताते हैं कि ज़्यादा है। कई बार आप लोग सुने भी होंगे बीएमआई, या हॉस्पिटल में गए होंगे तो डॉक्टर साहब ने आपको बीएमआई लिख के बताया होगा कि आपका इतना है। देखिए, बीएमआई जो है यदि 25 से 29.9 के बीच में है तो आपको ओवरवेट कहा जाता है। अगर वो 30 से ज़्यादा हो गया है तो आप बिल्कुल ओबेस हो गए हैं और आपको ट्रीटमेंट की तो बहुत ज़रूरत है। जो ओबेसिटी है इसका शरीर पे बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड हैं, बहुत सारी बीमारियों को ये उत्पन्न कर सकता है। खास करके यदि एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी आपके पेट के चारों तरफ यदि चर्बी ज़्यादा है तो ये तो खास करके हमारी जो बहनें हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो शुरू से शुरू करिए अगर आप, ठीक है। आपके हार्ट के लिए तो सुना ही होगा, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर इसके बहुत सारे हैं, ब्लड प्रेशर हो सकता है, आगे जाके कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है,
उसके बाद आपको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर यानी आपके शरीर में जॉइंट्स की प्रॉब्लम, बहने कई बारी बैकएक लेके आती हैं, वो भी आपके ज़्यादा वजन की वजह से होता है। उसके बाद कैंसर्स, बहुत सारे कैंसर्स के लिए रिस्क फैक्टर है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर इन विमेन, गॉलस्टोन हो सकता है, गॉल ब्लैडर में पथरी, स्पेशली जो पोस्ट मेनोपॉजल बहने हैं वो पेशाब में प्रॉब्लम लेके आ सकती हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कर सकता है, और डायबिटीज़ वो तो हम जानते ही हैं कि ओबेसिटी इज़ लिंक टू टाइप 2 डायबिटीज़। तो आगे हम जानेंगे कि अब इसका निवारण क्या है, क्या करें, लेकिन तब तक के लिए आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, खुश रहें और बिल्कुल तनाव में नहीं रहे। ओम शांति। मित्रों, जीवन में ध्येय हम ऊंचे से ऊंचा रखते हैं, अपने जीवन के लिए भी और साथ ही अपनों के जीवन के लिए भी, उसके लिए सुंदर प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे हमने पहले बात की, कई बार कुछ विपरीत बातें आकर हमें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसे में भी सतत हम आगे से आगे जब बढ़ते रहते हैं, अपनी दृढ़ता, अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, सफलता हमारे कदम अवश्य चूमती है। थॉमस अल्वा एडिसन कितनी बार असफल हुए बल्ब का निर्माण करने में, लेकिन अपने परिश्रम को, अपने निरंतर प्रयास को उन्होंने नहीं छोड़ा। अमिताभ बच्चन जी लगातार फिल्में फ्लॉप होती गईं, फिर भी अपने प्रयास को, अपने आप को निखारने का जो एक जज्बा था उसे नहीं छोड़ा, और आज हमारे सामने एक एग्जाम्पल हैं। अब्राहम लिंकन लगातार फेल होते रहे, चाहे वो जॉब हो, चाहे फिर उनकी अन्य गतिविधियाँ हों, लेकिन फाइनली वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए। मित्रों, सतत प्रयास, अपने ऊपर विश्वास सचमुच बहुत मिरेकल करता है, इसीलिए इसे ना छोड़ें, अपने सुंदर स्वप्न को साकार करने के लिए लगातार लगे रहें, जैसे हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं, कर रहे हैं और प्रतिदिन हमें प्रेरित भी करते हैं। You know, what we are observing nowadays that if we talk about the youngsters, and they are more oriented to, you already said that they are more running after money. Yeah. And when we talk about their behavior, their lifestyle, that is totally different nowadays. Yeah. You know, they are more short-tempered. They get more angry if we try to correct their mistakes even. Mm-hmm. So what methodology we should adopt to guide them in a right way? The most important impact on the young minds is the television. And next is probably mobiles. Yeah. And third important factor is our network, internet. I think these three networks have done a greatest change to the thought process of the people, you and I. At the same time, they have also made tremendous bad impact on the young minds. Forget young minds. I think even older people like us are impacted on that. Mm. And you cannot blame the young boys and girls because they are vulnerable. They are susceptible. You know, all of us need to learn, look back and have an introspection. What is to be learned from what? Internet. What is to be learned? Our mobile. How it is to be used. Right. Our television. What is the utility and purpose of the television? I think we need to discriminate. We need to draw a line between the vulgarity and the virtue. As long as we don't draw a line between virtue and vulgarity, yes. I think the vulgarity and virtue will have the mixture and mixture. Right. Very, very right. मित्रों, आम आदमी केवल अपने लिए और अपनों के लिए जीता है, लेकिन जो महान होते हैं वो सारे संसार के लिए जीते हैं। बहुजन हिताय उनका जीवन होता है। अपने लिए तो कोई भी जी सकता है, लेकिन सारे संसार के कल्याण के लिए जीना सचमुच एक महान बात है, अन्यथा व्यक्ति अपने जीवन के जद्दोजहद में ही पूरी उम्र निकाल देता है। वास्तव में जो औरों के लिए जीता है वही महान कहलाता है, और वही लोगों के हृदय में हमेशा के लिए जीवित रहता है, और इसका एक सुंदर सा एग्जाम्पल ब्रह्मा कुमारी संगठन है। मित्रों,
यहाँ के भाई बहनें अपने जीवन को विश्व कल्याण अर्थ समर्पित किए हुए हैं और लगातार जनहित में कार्य करते रहते हैं, और उनके इन्हीं सेवा कार्यों को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। आइए देखें। हरियाणा के पानीपत सेक्टर 25 में ब्रह्मा कुमारीज उप सेवा केंद्र ने नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि हम सामाजिक तौर पर इस मुहिम में आपको पूरा सहयोग देंगे और सामाजिक प्रयासों से भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। तत्पश्चात दुष्यंत चौटाला जी ने परमात्म ध्वजा दिखाकर अभियान की शुरुआत की। पुष्प गुच्छों से उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया गया। सेवा केंद्र के भाई बहनों ने मिलकर फूल एवं पगड़ी से अतिथियों का सम्मान किया। सेवा केंद्र संचालिका बी के अंजना बहन ने माइक संचालन किया। पानीपत सर्कल इंचार्ज राजयोगिनी बी के सरला दीदी ने श्री दुष्यंत चौटाला जी और प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान जी को राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति दी। इस मौके पर जिला प्रधान सुरेंद्र धोला, चेयरमैन सुरेश मित्तल, पार्षद शकुंतला गर्म, मीडिया प्रभारी मालती अरोड़ा एवं युवा सरपंच प्रवीण कुमार महाराज जी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को ईश्वरीय उपहार भी भेंट की गई। मित्रों, किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि क्या बिना मन के भी यदि ईश्वर को याद किया जाए तो उसका फल मिलेगा? तो संत ने कहा कि यदि आप किसी बीज को गिरा देते हैं ज़मीन पर, ये नहीं देखा जाता कि बीज सीधा गिरा है या उल्टा गिरा है, वो जिस भी स्थिति में हो कालांतर में वो फलीभूत अवश्य होता है। इसीलिए ईश्वर को मन से याद करो या मन न लग रहा हो तो भी याद करो, वो फलदायी होगा ही होगा। मित्रों, हम भी कई बार सोचते हैं कि ध्यान तो लग नहीं रहा है, क्या करें, ईश्वर को कैसे याद करें, करें भी या ना करें। आप कितने भी व्यस्त हैं, समय निकाल करके बैठें या फिर अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी अपने मन को थोड़े समय के लिए ईश्वर से अवश्य जोड़ें, ये हमें फल देने वाला होता है। फल सुख का, शांति का, सफलता का और जीवन में जो हमारा ध्येय है उसे प्राप्त करने का। तो ज़रूर ईश्वर के लिए भी वक्त निकालें, मन लगा कर करें। मन ना भी लग रहा हो तो भी उसकी याद को अपने मन में ज़रूर बसाएं, ये जीवन का कल्याण करने वाला होगा और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कैसे हमारा जीवन दिनों दिन अच्छाई की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, कल इसी वक्त पुनः आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।